नमस्कार, मुद्दा भारत का में आप सभी का स्वागत है। आज मुंबई हमले का 14वीं बरसी है। इस अवसर पर आज हम अपने वीडियो में 26/11 में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करेंगे। हालांकि मुंबई की उस काली रात को कोई याद नहीं करना चाहता। अचानक हुए आतंकवादी हमले में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की उस घटना में जान गई थी और मुंबई हफ्ते भर के लिए पूरी तरह से थम सी गई थी। पाकिस्तान से भेजे गए 10 आतंकवादी 3 दिन तक मुंबई में लोगों को बंधक बनाकर खूनी खेल खेलने में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे, जिसमें जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब को बाद में फांसी दी गई। इसी अवसर पर हम उस समय के भुक्तभोगी पुलिस इंस्पेक्टर विजय पवार से चर्चा करेंगे, जो आतंकवादी हमले के दौरान कामा अस्पताल में कसाब और इस्माइल से सीधा मुकाबला किए थे। मुंबई पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी सदानंद दाते के मार्गदर्शन में विजय पवार अपने और साथियों के साथ कामा अस्पताल में डटकर आतंकियों से मुकाबला किए, लेकिन कसाब द्वारा फेंके गए हैंड ग्रेनेड और बंदूक की गोलियों से विजय पवार पूरी तरह से जख्मी हो गए थे। अपने आप को मृत होने का नाटक करते हुए पवार कसाब के और हमले से बच गए, लेकिन उनके कई साथी उस घटना से शहीद हो गए। उसके बाद कामा अस्पताल से बाहर निकलते हुए कसाब और इस्माइल ने विजय सालस्कर, अशोक कामटे और हेमंत करकरे को मार दिया था। उस घटना को याद करते हुए आज भी विजय पवार काफ़ी सिहर जाते हैं, लेकिन आगे भी ऐसी कोई मुसीबत मुंबई पर आई तो लड़ने के लिए वो तैयार हैं। इसी विषय पर हमने अपने चैनल में आज 26/11 के अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर विजय पवार से बात की। नमस्कार, वंदे मातरम, मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मुद्दा भारत में हमारा विषय है 14 साल पहले जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, यानी 26/11। 26/11 जो है एक मनहूस दिन माना जाता है मुंबई के लिए, जब पाकिस्तान से पैरवी आतंकवादी जो है मुंबई में दाखिल हुए और उन्होंने अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुए, और उसी का आज जो है बरसी है। यानी 14 साल एक वनवास, जो रामचंद्र जी का जो वनवास था वो ख़त्म हुआ है। आज 14 साल हो गए, लेकिन मुंबई में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो दर्द है, जो उस समय वहाँ के भुक्तभोगी लोग हैं, आज भी वो दर्द देख के सुन के जो है काम जाते हैं। और इसी कड़ी में जो है आज हमारे साथ में हमारे चैनल में मेहमान हैं विजय पवार जी, पुलिस इंस्पेक्टर ठाणे शहर में। उस समय जो ये आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में तैनात थे, और जैसे ही 26/11 हमले की जानकारी उनको मिली, वो रास्ते से वापस पहुँचे और जो है कामा हॉस्पिटल में जो है कसाब जैसे आतंकवादी से जो है सीधा मुकाबला किए। और इसी विषय पर हम उनसे आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ याद करेंगे कि उस घड़ी में उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे मुकाबला किया। विजय पवार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आप जो है उस समय आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में थे, आप घर पे वापस जा रहे थे, आपको कब कॉल आया और उसको कैसे आपने मैनेज किया और कब पहुंचे कामा हॉस्पिटल में आप? 26/11/2008 जी, मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था जी, तो मैं थाना में रहता हूँ, और उस दिन मुझे नाइट ड्यूटी थी जी, और नाइट ड्यूटी के लिए मैं करीबन थाना से 8 बजे निकला और 9 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा था जी। 9 बजे पहुंचने के बाद नाइट राउंड का यूनिफॉर्म सिविल में ही था तभी, मैं क्योंकि डिटेक्शन ब्रांच में मैं काम करता था जी, इसके लिए सिविल में मेरा नाइट राउंड था जी। तो फिर करीबन 9:10 पे जी कंट्रोल से कॉल आ गया था कि लियोपॉर्ड होटल जो है ताज के बाजू में जी, कि उधर फायरिंग हो गया है जी। तो फिर कंट्रोल से कॉल आने के बाद हमने भी सोचा ठीक है, कुछ तो आपस का मामला छोटा मोटा मामला रहेगा। तो फिर हमने ठीक है, लियोपॉर्ड होटल वैसा भी हमारे हाथ में नहीं था, दूसरे के हाथ में था। लेकिन उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से कॉल आ गया कि CST में फायरिंग हो रहा है। मतलब आपके मोबाइल पे कॉल आया? अपना वायरलेस पे। अच्छा, वायरलेस आपके साथ में था? हाँ, मेरे साथ में जो मेरे कांस्टेबल था विजय खंडेकर, जो इस 26/11 में शहीद हुआ, उसके वॉकी टॉकी पे कॉल आया था कि कंट्रोल से कि अपना CST में फायरिंग हो रहा है।
तो फिर CST तो हमारे पुलिस स्टेशन के बाजू में लग के है जी, आजाद मैदान, तो आजाद मैदान का लग के हमारा ही एरिया पड़ता है उसमें जी। तो नाइट में दो चार का कर्मचारी थे और मेरे साथ में नाइट राउंड के लिए API शिंदे, विजय शिंदे करके, वो भी नाइट ने ड्यूटी थे, ड्यूटी पे था, और हम दोनों और जो अवेलेबल स्टाफ था उनको लेके हमने क्या हुआ है ये देखने के लिए हम CST के वापस चले गए। आप CST के उधर गए? अच्छा। जीप जो हमारा गवर्नमेंट जीप था, और CST के गेट पे जैसे हम पहुंचे तो अंदर से बहुत फायरिंग और बॉम्ब के आवाज़ ये भी चालू थे, और बहुत से लोग अंदर से घायल जख्मी होके बाहर भागते हुए भाग रहे थे जी। तो उसी टाइम और एक दूसरा काउंटर से कॉल आ गया कि ताज होटल में भी फायरिंग और बॉम्बिंग हो रहा है। तो फिर समझ में आ गया कि ये कोई तो बड़ा हमला है जी। तो फिर जैसा हम CST पहुँचे थे तो फिर अंदर जो दो लोग फायरिंग कर रहे थे उसमें वो अजमल कसाब और अबू इस्माइल जी, ये दो आतंकवादी थे उसमें। तो उन्होंने अंदर जो फायरिंग चालू थी उसमें जो लोग घायल हुए थे, पहले हमने उनको हमारे जितना लोगों को मेडिकल एड दे सकते थे, बाजू में सेंट जॉन हॉस्पिटल था जी। तो जितना लोगों को हम उनको ये करते थे कर सकते थे उनको हमने हमारे गाड़ी से एडमिट कर दिया, मदद की जी। फिर बाद में मालूम हो गया कि अब ताज में भी फायरिंग हो रहा है, लियोपोल्ड होटल में भी पहला हुआ था, इधर भी चालू है, उधर अपना ओबेरा होटल में भी चालू है, तो ये बड़ा आतंक हमला है ऐसा समझ में आ चुका था। फिर थोड़ी देर के बाद CST में जो ये दो जोन आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, फिर उधर का फायरिंग शांत हो गया, फिर मालूम गिर गया कि फिर से कंट्रोल से कॉल आ गया कि ये जो दो आतंकवादी है वो CST से निकल के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है उसमें का जो छोटा रास्ता जाता है उधर से कामो हॉस्पिटल के तरफ गए। तो फिर हम भी, मेरे साथ में जो टीम थी जी, वो हम उधर से गाड़ी निकाले और मेट्रो जंक्शन जो है, मेट्रो टॉपिस का जंक्शन है, उधर आ गए। उधर आने के बाद उधर भी बहुत भीड़ जमा हुई थी जी। पहला हमने वो भीड़ को कंट्रोल कर दिया, और उसी टाइम हमारे उधर मेट्रो जंक्शन के उधर सदानंद दाते साहब उनकी गाड़ी से पहुंच गए थे जी। तो उनको भी मालूम था कि इधर ऐसा हो गया, फिर हमको साहब ने पूछा क्या हुआ है क्या नहीं है, तो वायरलेस से मैसेज भी आया था कि ये जो दो आतंकवादी है वो कामा में फायरिंग करके घुस गए, मतलब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पेशेंट को मार रहे तो फिर हमने दाते साहब को ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जी। तो फिर दाते साहब ने तुरंत हमने डिसीजन ले लिया कि हम हॉस्पिटल में काउंटर फायर के लिए जाएंगे जी। तो फिर हम सात लोगों की टीम थी, उसमें हमारे ग्रुप लीडर सदानंद दाते साहब थे, मैं था, और API विजय शिंदे करके था, एक हमारा आज़ाद मैदान का हवलदार था मोहन शिंदे, यानी एक सब इंस्पेक्टर था प्रकाश मोरे करके, और विजय खंडेकर मेरे साथ में जो ऑपरेटर था जी। ऐसा हमारी टीम हम तुरंत कामा हॉस्पिटल के गेट से अंदर गए जी। जैसे हम अंदर पहुंचे तो फिर उधर गेट पे ही दो लोग पूरी तरह से घायल होके पड़े थे, यानी वो उनको उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, वो मर ही चुके थे उधर। तो फिर उधर एकदम भयान जैसे बोलते हैं ना, एकदम माहौल एकदम शांत था, कुछ कोई सब, नहीं, कोई हिलडुल नहीं था। हाँ, तो फिर उधर जाने के बाद हमको फिर से मालूम गिरी कि ये जो दो आतंकवादी हैं वो छठवें माले पे फायरिंग करके कामा हॉस्पिटल के छठवें माले पे टेरेस पे गए हैं जी। तो हम लोग भी उधर से लिफ्ट से छठवें माले पे टेरेस पे अपने छठवें माले पे हम गए जी। उधर जो लॉबी था लिफ्ट के बाहर, उधर जाने के बाद हम उधर ये किया कि अब हमारी अपनी अपनी पोजीशन ले ली। ओके। तभी हमको मालूम हो गया था कि वो टेरेस पे है, ऊपर टेरेस पे है। ओके। तो फिर उनको जैसा मालूम हो गया कि नीचे पुलिस आ गई है, तो फिर उन्होंने उनके AK-47 से उन्होंने बस फायरिंग चालू कर दिया, लेकिन हम साइड में खड़े थे और उनका फायरिंग वो लिफ्ट पे जाके गिरा। ओके। तो फिर हमने भी हम काउंटर फायरिंग में हमने भी उनके उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। ये कम से कम आधा 30-40 मिनट हमारा फायरिंग चलता रहता। ओके।
उसमें उन्होंने बीच में तीन चार हैंड ग्रेनेड भी फेंक दिया हमारे आप लोग की तरफ। हाँ, हमारे ऊपर जो पैसेज था उसके वो हैंड ग्रेनेड के धमाके से मतलब जो लाइट मतलब कसाब का इस्माइल का आमने सामने मुकाबला चालू था। ओके, तो फिर उन्होंने जैसा वो हैंड ग्रेनेड फेंकना चालू किया तो हैंड ग्रेनेड से वो जो पैसेज में लाइट था वो सब लाइट उड़ गया वो धमाके से। okay. और उधर पूरा अंधेरा और धुआं छा गया। फिर बाद में उनका फायरिंग था चालू था, हमारे भी चालू था। बाद में वो उनको लगा कि अभी कोई किसको दिखाई नहीं देता था कि इतना उधर अंधेरा हो गया और हम तो अपना उन्होंने जो फायरिंग किया था और उन्होंने जो हैंड ग्रेनेड फेंका था उसमें हम सब लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और हम सब लोग अनकॉन्शियस हुए थे। फिर वो उधर से कभी निकल गए वो हमको मालूम नहीं। बाद में हमको मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो आपको कहाँ कहाँ गोली लगी थी आपको? मुझे राइट शोल्डर में गोली लगी थी और दोनों पैर में जो हैंड ग्रेनेड के जो छर्रे थे वो सब दोनों पैर में लगे थे। तो आपके पास से वो कसाब गुजरा था एकदम? हाँ, हमारे पास से 10-15 फुट पे हमारा आमना सामना था। वो ऊपर थे और हम नीचे थे। अच्छा। यानी 10-15 फुट का ही फासला था जी। इतने नज़दीक से हम हमारा तो क्या वो आपको मरा हुआ समझ के छोड़ दिए थे आपको? हाँ, उनको लगा कि ये सब मर गए हैं इसके लिए उधर से वो निकल गए जी। और बाद में फिर वो उधर से निकल गए, फिर अपना पीछे वाले इसमें अपना कॉलेज जो अपना सेंट जेवियर कॉलेज है उधर फिर वो साड़ेस्कर साहब करके साहब इनका जो ये हो गया फिर हमारे फायरिंग मतलब आपको इंजर्ड करने पर दिलों ने साड़ेस्कर और कामटे साहब का जो ये उनका उधर का इंसिडेंस हो गया जी। तो कैसा लगता है आपको? आपको आज भी वो सीन याद आती होगी दिन में रात में कभी, तो कैसा लगता है आपको कि आपने कैसे बच गए, अपने आप को कैसे बचा लिया? नहीं, हम तो अभी 14 साल हो गए, जैसे आपने पहले बताया कि 14 साल का जो वनवास है वो 14 साल के भी ख़त्म होता है, फिर भी वनवास है लेकिन हमको भी अभी भी 14 साल हो गया लेकिन जो घटना है अभी जैसी घटना घटी है वैसा का वैसा अभी तक हमारे वो दिमाग में बैठ गए हैं, वो कभी हम भूल नहीं सकते जी। तो अभी आपको तो उसमें समझ लो एक तरह से आपके साथी लोग तो चले गए, मतलब कुछ साथी तो एक्सपायर हो गए उसमें? हाँ, उसमें मेरा जो विजय खांडेकर था वो जो अपना ऑपरेटर था वायरलेस ऑपरेटर वो शहीद हो गया और एक सुभाष मोरे कर प्रकाश मोरे करके था जी, सब इंस्पेक्टर थे तभी जी, वो हमारे इसमें शहीद हो गए और हम 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो आप बच गए आपने, या तो आपको किसको मानते कैसे आप बच गए? नहीं, हम तो अभी जब ही हमने तय किया था कि कामा हॉस्पिटल में हम जाएंगे काउंटर फायर करेंगे तभी हमको ये मालूम नहीं था कि हम जिंदा बच के आएंगे, लेकिन जो हम अपनी माँ बाप की पुण्याई जो हमने कर्म किया है उसका पुण्याई इसके वजह से हम बच गए जिंदा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से लोगों की जाने गई और जिस तरह से कसाब को जिंदा रखा गया कुछ साल तक, तो आपको लगता नहीं कि उसको तुरंत उसको करना चाहिए था? नहीं, जो अपना कानून व्यवस्था जो इंडिया का कानून व्यवस्था है कानून के तहत उसको जो भी है, क्योंकि हमारे भी उसमें विटनेस करके हमारे कोर्ट में साक्ष्य हुई थी बाद में, जो है कानून से थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कानून के हिसाब से उसको फांसी की सज़ा दे दी। एक चीज़ और सवाल उठता है लोगों के दिमाग में कि जो इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन भारत ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, मतलब उसका कोई रिवेंज नहीं हुआ उस समय, ऐसा लगता नहीं आपको कि पाकिस्तान तो नाम सामने आ रहा था, पाकिस्तान में नहीं ये सब हमले प्रायोजित करके करवाए, पूरे रेकी करके करवाए, इतना सब होने के बाद भी जो भारत सरकार उस समय की थी ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, आगे पाकिस्तान जो है उसको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, आपको क्या दिमाग में लगता नहीं कि इसका रिवेंज होना चाहिए था? नहीं, जो है कायदे कानून से जो है हमारे अपने गवर्नमेंट ने जो किया है वो कर किया है, जो कायदे कानून में बैठता है जो करने का था वो सब हमारे गवर्नमेंट ने किया है।
ठीक है विजय जी, तो अब आगे आता है सवाल ये कि क्या आपको कोई इसके ऊपर, आप तो वहाँ पर सीधा सीधा हमला किए, एक आतंकवादी से फाइट किया है, तो उसका आपको कुछ पुरस्कार वगैरह कुछ वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ मिला है आपको सरकार? हाँ, अपना दिल्ली गवर्नमेंट से, भारत सरकार से हमको पराक्रम पुरस्कार जो है, पराक्रम पुरस्कार वो मिला है जी। तो आज भी अगर इस तरह के हमले होते हैं तो क्या उस बहादुरी को, बहादुरी से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जरूर, जब तक अभी समझो अभी मुझे अभी दो अढ़ाई साल पौने तीन साल सर्विस में बाकी है जी। ऐसा कोई प्रसंग आ गया आता है तो हम जरूर सामना करेंगे। अब पुलिस वालों से क्या करना चाहेंगे, क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं जो पुलिस विभाग में काम करते हैं, 14 साल के बाद भी नए नए पुलिस वाले भी आए होंगे, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? पुलिस वालों को यही संदेश है, जो अभी यंग जनरेशन अभी जो पुलिस में भर्ती हो रही है जी, उनको पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद जो संघर्ष करना पड़ता है, जो एक मेहनत करनी पड़ती है, जो लोगों को श्योरिटी देनी पड़ती है कि भी हम तो लोगों की सेवा करने के लिए है पुलिस, उनको जान की, उनके मालमत्ते की रक्षा करने के लिए हम हैं। तो आगे जाके जो अभी जो यंग जनरेशन वाले जो है पुलिस उन्होंने भी ऐसा कोई प्रसंग आया भविष्य में तो जान की बाजी लगा के लड़ना चाहिए। धन्यवाद विजय पवार जी। तो ये थे विजय पवार जी, इस समय जो है ठाणे पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे हैं, जल्द इनका प्रमोशन होने वाला है ACP के मुकाम पर, उसके लिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। लेकिन जिस बहादुरी से उन्होंने अपने आप को वहाँ पर कामा हॉस्पिटल में सीधा मतलब कसाब और इस्माइल से जिस तरह से मुकाबला किया, ये काबिले तारीफ़ है, और उसमें बच के भी आ गए, और बच के भी कैसे आए कि इन्होंने अपने आप को एक्टिंग किया वहाँ पर कि मैं मर चुका हूँ, और कसाब जो है पास से ही गया लेकिन इनको मरा हुआ समझ के छोड़ के चला गया, नहीं तो एक गोली और लगता शायद आप भी शहीद हो जाते थे। तो आपको आपके इस वीरता के लिए बहुत बहुत बधाई हो पवार जी, मेरी तरफ से भी, मुद्दा भारत की तरफ से भी आपको जो है इस वीरता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है साहब के लिए कुछ लिखना चाहेंगे तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, और हम जो है आपका लिखा हुआ जो है कमेंट्स हम सर को ज़रूर भेजेंगे, और आप हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।